नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि विदित है कि लॉकडाउन में हर कोई घर में बैठा हुआ है, कोई अब बाहें फैला रहा है तो कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भोजन भी बांट रहा है, कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं उन्हें भी समस्याएं हैं। ऐसे में हमारे जो सिद्धार्थ मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है। कुछ लोगों के विचार जान रहे हैं वो, और उनको फेसबुक पर साझा कर रहे हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ऐसे लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं। मुझसे भी उन्होंने सवाल किया था कि आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौर में। तो मैं भी घर पर ही हूँ, कभी कभार पेट्रोल पंप पर भी चला जाता हूँ, और जो आकाशवाणी के हमारे कवरेज या और जो भी कार्यक्रम है उनमें देख लेता हूँ। बाकी कुछ गरीबों में भोजन वगैरह वितरित करने का कार्यक्रम भी हम लोग साप्ताहिक चला रहे हैं। मंगलवार को सुंदरकांड पाठ करने के बाद प्रसाद भी वितरित करा रहे हैं कुछ गांव में। और इसके अलावा मैं जो सबसे अहम काम इस समय कर रहा हूँ वो लॉकडाउन पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, जिसका नाम मैंने लॉकडाउन के साक रखा है, यानी लॉकडाउन के झटके। इस लॉकडाउन के दौर में सभी लोग झटके खा रहे हैं, चाहे कोई गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, पुलिसमैन हो या कोई और, सभी को हर तरह से लॉकडाउन परेशान किए हुए है। तो उनकी व्यथा जो है, दर्द है उनका, वो 6-6 लाइन की कुंडली छंद जो है उनमें मैंने पुरोया है, और जिसकी व्यथा कही है उसका चित्र भी उसके सामने लगा रहा हूँ। जिसका चित्र उपलब्ध नहीं है, कार्टून लगा दे रहा हूँ। 70-80% पुस्तक जो है वो तैयार हो चुकी है, कम से कम 200 से अधिक कुंडलियाँ इस समय तैयार हैं, कुछ अन्य विधाओं में भी लिखा है। तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है 17 मई को, मैं पुस्तक छापे खाने में दे रहा हूँ। कुछ संदेश भी आ चुके हैं, कुछ अन्य कवियों की रचनाएँ भी जो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं उन्हें भी मैं इस अपने काव्य संग्रह में ले रहा हूँ। जिस तरह से आप सबने कलयुग के भगवान नामक हमारी जो पुस्तक अभी 2019 में प्रकाशित हुई थी, आप लोगों ने हाथों हाथ ली, मैं चाहता हूँ कि इस पुस्तक को भी आप लोग उसी तरह देखें। कुछ सुझाव हो तो मुझे बताएं, जिन्हें अगले संस्करण में इन्हें सही किया जा सके। और इसके साथ ही मैं यह अनुरोध भी आप सबसे करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में जो कुछ नियम हैं उनको अवश्य फॉलो करें। जैसे घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगाना है, अपने हाथों को नियमित प्रति घंटे धोना है, सैनिटाइज करना है, और उसके अलावा जो हम जो शासन प्रशासन द्वारा नियमावली जो लागू की जा रही है, बाज़ार खुलने संबंधी या अन्य जो नियम हैं, उन पर हम सबको मिलकर काम करना है। आप सब जान लीजिए कि जो नियम बनाए जाते हैं, नियम कायदे हैं, लॉकडाउन है, वो हम सबके भले के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। यह बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, और डॉक्टर्स भी यही बता रहे हैं, जो और विद्वान व्यक्ति हैं वो भी बता रहे हैं। तो लॉकडाउन का हम सब लोग पालन करेंगे तो कोरोना नामक इस महामारी से जल्दी हम सबको मुक्ति मिलेगी। जान लीजिए कि अगर हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा कार्य, व्यापार या जो भी कुछ है वो सुरक्षित रहेगा। अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो इस सब के भी कोई मायने नहीं है। इसलिए आप सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे कार्य करते रहें, जो बीमार वृद्ध हैं उनका हालचाल लेते रहें, खाली समय है घर में भी, घर के कामों में भी हाथ बटाएं, और अगर आप कवि, लेखक या पत्रकार हैं तो अच्छा अच्छा लिखते रहिए, पत्रकार हैं तो वो सीन भी ज़रूर दिखाइए जिसमें लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो इस सब से हमारा समय जो है बहुत अच्छा पास हो जाएगा। मैं सिद्धार्थ जी की जो मुहिम है उसकी एक बार पुनः सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अभियान शुरू किया। और आप सबको एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार।